है भाई। आज स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह की जो पुण्यतिथि है वो है, और जनता के दिलों में जो राज करते थे सुरेंद्र सिंह, जब आज हमने कई जगह बात की मगर जनता भावुक हो गई। तो आप चौधरी सुरेंद्र सिंह के साथ बचपन के साथी रहे, तो उनका जो स्वभाव था सुरेंद्र सिंह का, वो किस प्रकार का था? अपने वर्करों के प्रति या अपने साथियों के प्रति कैसा व्यवहार था? देखिए भाई साहब, पहले तो ये है कि आज चौधरी सुरेंद्र सिंह की किस भी पुण्यतिथि है, उस पर मैं सभी को चौधरी सुरेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और 2005 में जो हादसा हुआ था चौधरी सुरेंद्र सिंह का, वो पूरे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी क्षति थी, और भिवानी के लिए तो इतनी बड़ी क्षति थी कि बस आप पूछो ना। भिवानी को के बारे में उसने बहुत कुछ सोच रखा था, बहुत मतलब ये आपने कहें बचपन के साथी तो मैं नहीं था, मैं तो बच्चा था उनका, कॉलेज में पढ़ते थे 1990 में, जब चौधरी सुरेंद्र सिंह के पास हम किसी तरह से अटैच हुए उनके साथ। वो बड़ा प्यार करता था नए नए बच्चों को देख के, युवा लड़कों को देख के, सुंदर सुंदर लड़के होते थे, बड़े अच्छी पर्सनैलिटी वाले, वो यही चाहता था कि भिवानी शहर के अंदर मेरा शहर इतना साफ़ सुथरा रहे, अच्छे अच्छे बच्चे एजुकेशन करें, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छे उसमें रहे। और उसकी एक खासियत थी कि वो अपने जो साथी थे ना, उनको वो नोटिस करता था कि भाई आज 2 दिन हो गए, 3 दिन हो आया नहीं, क्या बात है। वो घर पहुँच जाते थे सुबह सुबह 6 बजे, कुंडा खुदवा देते थे भी क्या बात है। कोई मजबूरी थी तो वो बताते रहते जी ये मजबूरी है, माँ बीमार है, इसका इलाज के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तो वो हमें फौरन मदद करते थे। और उसकी एक खास बात ये थी, घर में पहला उस टाइम में टीवी का बड़ा वो था, बीमार हर घर में टीवियाँ होती थी, ये टीवी का, तो चौधरी सुरेंद्र सिंह हर अपने जिस कोई भी उसके पास गया हमेशा उनको दवाई फ्री करवाता था, हर महीने 10,000 रुपये उनके घर में पहुँचाता था। और शहर के अंदर हर हफ्ते आते थे चौधरी सुरेंद्र सिंह, वैसे आते तो क्या यही रहते थे चौधरी सुरेंद्र सिंह, तो रोज़ शाम को पार्क में जाना, साथियों से मिलना, कभी पिछला बाज़ार चले गए, कभी आलू बाज़ार चले गए, कहीं कहीं दुकानों पर बैठना, मतलब उनके साथ इतना जुड़ाव था लोगों का बहुत ज़्यादा। आज वो लोग हैं ना चौधरी सुरेंद्र सिंह को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं अगर चौधरी सुरेंद्र सिंह आज हमारे बीच होते ना, तो इस भिवानी का तो बहुत विकास होना था, भिवानी का क्या पूरे प्रदेश का, क्योंकि चौधरी सुरेंद्र सिंह के ऊपर संजय गांधी जी से, राजीव गांधी जी से बहुत ही नियरस्ट नज़दीकी थी। और जब उनका पार्थिव शरीर भिवानी में आया ना, तो आप मान के चले पूरे भारत देश के नेता, सारे प्रदेश स्टेटों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, क्योंकि वहाँ मैं मौजूद था अंदर एंट्री करवाने के लिए, जो उसको शरीर को देखने के लिए आते थे, कैसे भाई क्या लगी क्या चोट, तो इतने चीफ मिनिस्टर, इतने नेता आए थे, तो उस टाइम चौधरी सुरेंद्र सिंह का सबको पता चला कि इतनी बड़ी शख्सियत थी वो, तो ये हमारे लिए बहुत ही नुकसान और क्षति का काम टाइम था उस टाइम। और आज भी चौधरी सुरेंद्र सिंह के नाम से सैकड़ों हजारों वर्कर मैडम किरण चौधरी के साथ हैं, उनके शख्सियत की आज भी डंका बज रहा है। खरे भाई साहब, एक और चौधरी सुरेंद्र सिंह के खेलों के प्रति, जैसा कि मैंने सुना क्रिकेट के प्रति उनकी अच्छी रुचि थी, हाँ जी हाँ, तो क्रिकेट के प्रति उनकी रुचि थी, तो आपने भी कभी ऐसा मौका मिला भाई उनके साथ गए हो, खेले हो साथ में? ना देखो खेले तो नहीं, बच्चे थे, जैसे TIT ग्राउंड था इनके साथ दी थे, तो चौधरी सुरेंद्र सिंह जाते थे तो हमें तो वहाँ दूर दूर खड़ा कर देते थे, वो बस खेलते थे, हमने बॉल को फेंक दिया वो करता, हाँ साथ जरूर गए थे उनके, मगर हम खेला नहीं उनके साथ में, उनका खेल देखता था भाई क्रिकेट के, तो मतलब लोग वाले वो इतने प्रेमी थे बहुत ज़्यादा, वो चाहते भी थे कि हमारे शहर से अच्छे अच्छे प्लेयर निकले या निकले, वो क्या वजह थी क्यों निकल पाए ये मैं बता नहीं पा रहा हूँ। चौधरी सुरेंद्र सिंह के चले जाने के बाद भिवानी शहर को कितनी बड़ी क्षति पहुंची है राजनीतिक रूप से? राजनीति सारी क्षति पहुंची है जी, चौधरी सुरेंद्र सिंह होते तो आज भिवानी का कुछ और ही हाल होना था, यहाँ के CM होने थे, यहाँ के मंत्री होने, हमारे वर्गों का भी नंबर आ जाता, हम भी कुछ बन जाते, तो बहुत सारे वर्करों का नुकसान हो गया, बहुत कुछ लोगों को बनना था, भिवानी शहर को तो बहुत क्षति पहुँची। चौधरी सुरेंद्र सिंह आज होते तो ये गुड़गांव और बड़े बड़े शहरों के उसके नाम में आज भिवानी आती विकास के में, तो बहुत क्षति थी जी। और एक और बात है चौधरी सुरेंद्र सिंह की, हम देखते थे कि वो पितर भक्त बहुत थे, अपने पिता की इतनी वो मानते थे चौधरी बंसीलाल जी की, हम सुनते थे, हम भी पता लगता था जो भी उन्होंने कह दिया ना वो ही उन्होंने करना, वो अपने पिता की इतनी वो करते थे मान सम्मान, बहुत ज़्यादा भगवान से भी ज़्यादा मानते थे अपने पिता को। जब चौधरी सुरेंद्र सिंह पहली दफ़ा MP बने, तो उस दौरान का जो माहौल रहा या विकास कार्यों की जो रूपरेखा रही वो किस प्रकार से थी?
चौधरी सुंदर, उस टाइम जो एमपी जो चौधरी सुंदर सिंह बने थे, उस टाइम लोगों को भाई यही था भी पानी लाइन, शेयर लाइन, या किसी की धर्मशाला में ये, या किसी का इलाज करवाना है एमपी कोटे में, या किसी के घर में कोई गैस देनी है, या कोई वन गरीबों के, तो उस टाइम चौधरी सुरेंद्र सिंह ने पूरा अपना एमपी कोटा का जितना भी कार्य था खुल के करवाते थे। खरे भाई साहब, एक बात और, आप जैसे लोगों से या आपसे बड़े लोगों से सुनी है मैंने भी, कि चौधरी सुरेंद्र सिंह की एक खास बात और थी, वो ये कहते थे कि भाई कोठी में उसको मानता हूँ कि रोजाना 1000 आदमी आके मिलें और हम उनका काम करा। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। देखो उस टाइम तो उनका मानना क्या, 1000 आदमी आते ही थे उनकी कोठी पे, जो लोगों को पता चल जाता था कि चौधरी सुरेंद्र सिंह आने वाले हैं, कोठी में 1000 आदमी भर जाते थे और वहाँ अपनी महफिल, अपनी कुर्सी लगा लेते थे, सब अपने बैठ जाते थे, सब अपनी शिकायतें जो वहीं निपटारा कर देते थे, चाहे सेंटर का काम हो, चाहे स्टेट का काम हो, किसी भी हो, जब भी उसी टाइम लोगों का कर देते थे। और उसकी एक खासियत थी कि वर्कर को वो है ना शक्ल से पहचान लेता था कि इसके चेहरे को देख करके भी इस पर कोई नहीं, कोई बात है, समस्या है, कोई टेंशन, तो उसको फौरन बुला लेता, क्या बात है, क्या समस्या है, तो कोई लोग बता भी नहीं पाते थे, तो अपने आप पूछ लेता था भी, तो मैंने लगता तेरे अंदर कोई समस्या, तो उसकी एक ये खासियत थी, तो ये हमने देखी हुई है जी। हम तो कॉलेज में पढ़ते थे, 1990 में मैं यहाँ कोठी से जुड़ा था चौधरी सुंदर सिंह के साथ, और युवा लड़कों को बहुत चाहते, उसको युवा नेता कहते थे, युवा लड़कों की धड़कन कहा जाता था, उसके नारे लगते थे युवाओं की धड़कन, चौधरी सुरेंद्र सिंह ये वो, मतलब बहुत ही, मतलब ये चाहता था कि मेरा भिवानी शहर है ना साफ़ सुथरा रहे, अच्छे अच्छे एजुकेशन के भी उसके दिमाग में थी, कॉलेज में अच्छे पढ़े, अच्छे लिखे, तो ये थी चौधरी सुरेंद्र सिंह। तो कोई ऐसी बात, ऐसा कोई किस्सा जो आपके साथ बीते हुए का हास्य रूप से चौधरी सुरेंद्र सिंह के साथ, भाई कोई ऐसी बात जो मजाकिया लहजे में कभी कही हो उसने भी खरे, क्योंकि राज आप भी उस टाइम पर उठते हुए थे, युवा थे, तो राजनीतिक रूप से हर आदमी की जिज्ञासा होती है, तो सुरेंद्र सिंह भी युवा साथियों का साथ देते थे, वो भी चाहते थे कि भाई जो विधानसभा बने युवाओं की विधानसभा बने, तो उसमें कभी कहो भाई खरे आने वाला वक्त होगा वो बताएंगे कभी, तो इस तरह का खूब बहुत वो कहते थे कि भाई समय आएगा, अब तुम्हारा सब कुछ होगा, तुम किसी चीज़ की चिंता मत करना, और जो वो कह देते थे वो करते भी थे, उनकी ये खासियत थी, ये नहीं कि भाई वैसे ही बोल दिया, तो वो जो करते थे वो करते थे जी। तो अभी आपने हमारे साथ सुना सुरेंद्र सिंह के साथी के रूप में इन्होंने काम किया है, मगर 31 मार्च 2005 के बाद में जैसे ही भिवानी का ही नहीं, पूरे हरियाणा, पूरे देश का सूर्य जो सुरेंद्र सिंह के नाम से अस्त हुआ, तब से भिवानी को ही नहीं पूरे हरियाणा को राजनीतिक रूप से बड़ी एक नुकसान के रूप में देखना पड़ा।